सो हेलो एवरीवन। तो आज मैं आपके लिए एक बुक रिव्यू लेकर के आया हूँ जिसका नाम है MTG जेई मेन केमिस्ट्री। ये जो बुक है ये बेस्ट बुक है फॉर न्यूमेरिकल एंड टेस्ट बुक दोनों के लिए। तुम देख सकते हो कितना बड़ा इसका थिकनेस है, ये आपका 11 एंड 12 दोनों ही कवर हो जाता है। इस बुक में ऐसे कई सारे फीचर हैं जो कि आपको जानना जरूरी है। एंड अगर आप जेई मेन WBJ कॉमेट के बिट सेट एंड जितने भी स्टेट लेवल के एग्ज़ाम होते हैं अगर उसके लिए प्रिपरेशन कर रहे हो देन डेफिनेटली दिस बुक इज़ वन ऑफ द बेस्ट बुक फॉर यू। एंड अगर आप बोर्ड का प्रिपरेशन कर रहे हो उसके लिए भी ये बेस्ट है। यहाँ पर तुम देख सकते हो NCERT पैटर्न पर बेस्ट है। तो आपको पता होगा कि जितने भी आजकल एग्ज़ाम होते हैं सारे NCERT बेस्ट ही होती है। अगर आप NCERT ठीक से पढ़ते हो, जैसे मोस्टली केमिस्ट्री की बात करते हैं तो केमिस्ट्री में अगर आप NCERT पढ़ते हो तो काफ़ी लोग बोलते हैं सफिशियंट है। तो इस बुक में आपको NCERT के क्वेश्चंस मिलेंगे एंड उसके कई सारे वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस मिलेंगे जो कि NCERT से सिमिलर होते हैं। एंड कई सारे क्वेश्चन NCERT से ही ली गई डायरेक्ट। एंड कई सारे थ्योरी जो होती है ना टॉपिक्स वो भी कवरअप किया गया है जो कि आपको NCERT बुक में मिलता है। एंड इस बुक में एक और चीज़ है कि इसमें आपको चैप्टर वाइज PYQ मिल जाएगा। तो लास्ट के जो 11 ईयर है उसका चैप्टर वाइज PYQ इंक्लूड किया गया है। ऑनलाइन एंड ऑफलाइन पेपर्स दोनों ही इंक्लूड है। तो एक कंप्लीट बुक आपका हो जाता है, JEE Mains बोलो WBJEE बोलो। इनफैक्ट अगर तुम WBJEE एग्ज़ाम दे रहे हो तो मैं ज़रूर बोलूँगा इस बुक को फॉलो करो, क्योंकि इसके अलावा आपको और कोई बेस्ट बुक मिलने वाला है नहीं। वैसे मैं एक वीडियो में बता चुका हूँ कि केमिस्ट्री के लिए जो बेस्ट बुक है वो एक आता है नीट का, केमिस्ट्री नीट का है, तुम देख सकते हो वीडियो को। एंड देखो मैं पहले भी बता चुका हूँ कि अगर तुम WBJEE का प्रिपरेशन कर रहे हो देन डेफिनेटली तुमको JEE Mains हो गया, बिट सेट हो गया, कॉमेंट के हो गया, जितने भी एग्ज़ाम होते हैं वो सभी देना चाहिए। तो ऐसा नहीं कि आप बस एक ही एग्ज़ाम को टारगेट किए हो, ऐसा कहीं मत करना। जैसे नेक्स्ट ईयर आप तो एग्ज़ाम देने ही वाले हो, ठीक है, तो बस एक एग्ज़ाम को टारगेट मत करना, मल्टीपल एग्ज़ाम को टारगेट करना, अपॉर्चुनिटी को आप बढ़ाना पड़ेगा। एंड इसमें हर एक क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन प्रोवाइड किया गया ना, मतलब बात मानो काफ़ी डिटेल में सॉल्यूशन प्रोवाइड किया गया है। वैसे ये जो बुक है ये पुराना बुक है, ठीक है, तो आप चाहो तो सेकेंड हैंड या न्यू परचेज कर सकते हो। वैसे सेकेंड हैंड एंड न्यू में आपको ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिलेगा यानी डिफरेंस जो है आपको बस PYQ देखने को मिलेगा। तो हो सकता है जो आप ओल्ड बुक लोगे उसमें आपको 2 साल का PYQ नहीं मिलेगा, लेकिन जो आप नया बुक लोगे उसमें 2 ईयर का PYQ इंक्लूड रहता है। तो पैसा अगर बचाना चाहते हो तो सेकेंड हैंड ले सकते हो। तो चलो जल्दी से इसका रिव्यू करते हैं। तो आप देख सकते हो MTG JEE Main केमिस्ट्री 7000+ MCQs, काफ़ी भर भर कर इसमें MCQ दे दिया गया है। लेटेस्ट पैटर्न NCERT ड्रिल चैप्टर वाइज इसमें आपको ऑफलाइन एंड ऑनलाइन पेपर दोनों ही मिलेगा। ये जो बुक है इसका जो एडिशन है मैं आपको बता दूँ, इसका एडिशन है 2017 का है, ओके 850 का प्राइस था। तो आप अगर न्यू लोगे उसमें कंटेंट वही रहेगा जो इसमें कंटेंट है, ठीक है, एक ही कंटेंट रहेगा। डिफरेंस जो है डिफरेंस आपको ऑफलाइन पेपर्स इंक्लूड मिलेगा 19 का, 20 का, 21 का। तो आपको जो 3 साल का जो लास्ट ईयर जो पेपर था जेई मेन का वो नया में इंक्लूड रहेगा। अदरवाइज़ अगर आप ऑलरेडी बुक खरीद चुके हो फॉर PYQ देन सेकेंड हैंड ले सकते हो। देखो MTG को मैं क्यों सिलेक्ट किया हूँ, बाकी और भी है जैसे अरिहंट हो गए, MTG में सबसे बेस्ट मुझे यही लगता है कि ये जो बुक है ये बिगिनर फ्रेंडली है। तो जैसे मैं आपको बता दूँ, जैसे मान लो कोई एक चैप्टर है, मैं एक चैप्टर ओपन करता हूँ रैंडमली, जैसे मान लो इसका जो स्टार्टिंग है ये है एटॉमिक स्ट्रक्चर है, ओके। तो आप देखिए ये एटॉमिक स्ट्रक्चर है चैप्टर नंबर 3, ओके। तो देखो ये क्या करते हैं, कुछ मतलब कंटेंट थ्योरी मतलब कुछ टॉपिक को कवरअप किया गया एंड उसी टॉपिक के रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस दे दिया गया। यानी ये क्वेश्चंस से ऐसा नहीं कि स्टार्टिंग में काफ़ी डिफिकल्ट दे दिया गया, तो स्टार्टिंग में मतलब बिगिनर के लिए काफ़ी क्वेश्चन एंड देन फिर एडवांस में क्वेश्चन जाते हैं। एंड जो सॉल्यूशन है काफ़ी डिटेल में सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं लोग। एंड ये हम लोग का चैप्टर कंटेंट्स है, तो आपको पता होगा फिजिकल केमिस्ट्री हो गया, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो गया एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो गया। तो टोटल 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है एंड थ्योरी को इतना अच्छा से कवरअप किया गया है कि आपको कॉन्सेप्ट आप भूलोगे ही नहीं। जैसे कोई भी आप टॉपिक खोल के देखिए, ठीक है, जैसे कि खास करके जो ऑर्गेनिक होता है ना उसमें मतलब कॉन्सेप्ट समझना काफ़ी मुश्किल होता है। तो हर एक टॉपिक को इतना अच्छे से कवरअप किया गया है, खास करके जो ऑर्गेनिक का सेक्शन है वो काफ़ी अच्छा मुझे लगा था, ठीक है। तो आप इस बुक को फॉलो कर सकते हो, जैसे आपको पता ही होगा कि ऑर्गेनिक में काफ़ी डिटेल में हर एक चीज़ को समझना पड़ता है। तो ये जो बुक है ये बेस्ट बुक है आपके लिए। एंड इस बुक में हर एक मेकानिज़म को कवरअप किया गया है। काफ़ी स्टूडेंट क्या करते हैं कि अलग से एक बुक परचेज़ करते हैं
फॉर मेकानिज़म। तो जैसे आपको पता हो कि मेकानिज़म पता होना चाहिए, हो सकता है आप मेकानिज़म जाने बिना आप जेई मेंस क्रैक कर लो, लेकिन जेई एडवांस अगर क्रैक करना चाहते हो तो आपको मेकानिज़म समझ में आना चाहिए। तो अगर मेकानिज़म में आप स्ट्रांग करना चाहते हो देन ये बुक फॉलो कर सकते हो, ठीक है। इस बुक का बस एक ही डिसएडवांटेज है कि ये जो बुक है ये काफ़ी थिक है, आप देख सकते हो कितना ये थिक है, ओके। मतलब अब देखो हर एक कॉन्सेप्ट को कवरअप किया जाएगा तो थिकनेस तो इंक्रीज कर ही करेगा, ठीक है। आपको पत्ती हुई केमिस्ट्री का अलग से तीन टू मतलब बुक आता है कई सारे पब्लिशर का, फिजिकल का, इनऑर्गेनिक का एंड ऑर्गेनिक का, तो ये तो सब कुछ इंक्लूड ही किया गया है। तो मैं यही सजेस्ट करूँगा, देखो आपके पास अभी उतना सफिशियंट टाइम नहीं है कि ये बुक को पूरा कंप्लीट कर लें, लेकिन हाँ ये एक हेल्पिंग हैंड हो सकता है, मैं ये बता रहा हूँ। देखो अगर तुम क्लास 11 में हो और ये वीडियो देख रहे हो देन आराम से बुक खरीद दो, काफ़ी हेल्प करेगा। लेकिन अगर तुम नेक्स्ट ईयर जेई मेंस हो गया, WBG हो गया या कोई और एग्ज़ाम दे रहे हो तो ये बुक बेस्ट हो सकता है, ऑल्टरनेटिव बुक हो सकता है, ठीक है। तो हो सकता है तुम इस बुक को फॉलोअप ना करो, लेकिन तुम एक परचेस कर सकते हो हेल्पिंग बुक, मैं इसको ज़रूर बोलूँगा। अदरवाइज़ अगर तुम कर सकते हो मतलब पूरा कंप्लीट तो तुम कंटिन्यू कर सकते हो इसके साथ। जनरली मैं क्या करता था, सपोज़ मुझे कोई कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता था तो मैं सेकेंड बुक को फॉलोअप करता था, ठीक है। तो वहाँ से मैं कॉन्सेप्ट समझने का कोशिश करता था। तो आप ये काम तो ज़रूर कर सकते हो कि अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो इस बुक को फॉलो कीजिए, अदरवाइज़ ये फर्स्ट बुक आप इसको फॉलो कीजिए। अगर तुम फर्स्ट बुक कोई और फॉलो कर रहे हो तो सेकेंड बुक तुम ये फॉलो कर सकते हो। तो आप ही देखिए ना कितना मतलब डिटेल में हर एक मेकानिज़म को कवरअप किया गया, ठीक है, आप तो देख सकते हो। और अब जैसे कि बुक के लास्ट में इनऑर्गेनिक प्रैक्टिकल केमिस्ट्री दे दिया गया, तो ऑब्वियसली अगर तुम 12th में हो एंड बोर्ड का प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये जो पेजेस है काफ़ी हेल्प करेंगे तुम्हारे लिए। वैसे मैं स्टार्ट कर दिया हूँ ऐप में, जितने भी मैं हो सका मैं खुद का हैंड रिटन नोट्स हो गया वो अपलोड करने का, तो वहाँ पर आप चेक कर सकते हो और इसका भी आप फॉलो कर सकते हो इस बुक को। फाइनल कंक्लूजन में यही बोलना चाहूँगा इस बुक का कि जैसे आपके पास अभी उतना टाइम नहीं है, अगर तुम 12th में हो तो मैं यही बोलूँगा इस बुक को एज ए सेकेंड बुक फॉलो कर सकते हो। सकता है जो फर्स्ट बुक तुम फॉलो कर रहे हो उसमें तुमको कॉन्सेप्ट कुछ कुछ जगह समझ में ना आए, या समझ में आ भी रहा तो अच्छा से समझ में नहीं आया, तो ये बुक डेफिनेटली चूज़ करो, तुमको हर एक कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। तो सेकेंड बुक तुम ये फॉलो कर सकते हो, अदरवाइज़ अगर तुम 11th में हो तो फर्स्ट बुक तुम्हारा यही होना चाहिए, ओके। मैं इस बुक को खुद भी फॉलो कर चुका हूँ तो मैं सोचा कि चलो आपको इस बुक का रिव्यू दे ही दूँ, ठीक है। तो देखो मैं लास्ट आपको ये बताना चाहूँगा कि कोई भी बुक को अच्छे तरह से यूटिलाइज़ करने का बेस्ट थिंग यही है कि आपको पहला सिलेबस पता होना चाहिए। तो जैसे कि इसमें मतलब फिजिकल केमिस्ट्री प्रेजेंट है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री प्रेजेंट है, अनऑर्गेनिक केमिस्ट्री प्रेजेंट है। देखो फिजिकल केमिस्ट्री अगर कवरअप करना चाहते हो तो कोई भी बुक उठा लो, मतलब बोर्ड की बुक उठा लो सफिशियंट है, ओके। लेकिन इनऑर्गेनिक में एंड ऑर्गेनिक में ही प्रॉब्लम होता है, इनऑर्गेनिक में कॉन्सेप्ट समझना मुश्किल होता है। काफ़ी स्टूडेंट्स बोलते हैं कि इनऑर्गेनिक में बस याद करना होता है, इनऑर्गेनिक में सब कुछ याद करने से नहीं होता है, काफ़ी सारे टॉपिक्स है जो कि आपको समझना पड़ता है तभी आप उन क्वेश्चंस को आंसर कर पाओगे, अदरवाइज आपको बोरिंग लगेगा एंड बोरिंग लगकर आप छोड़ दोगे इसको, लगेगा कि हाँ चलिए तो याद ही कर लेते हैं। लेकिन इनऑर्गेनिक में कॉन्सेप्ट होता है, आपको कॉन्सेप्ट समझने में आना चाहिए एंड ऑर्गेनिक में हर एक मेकानिज्म को कवरअप करना चाहिए। तो सपोज आपका इनऑर्गेनिक या ऑर्गेनिक कुछ ज़्यादा ही वीक है तब ये बुक इज़ बेस्ट, ठीक है, कि हर एक किस्म चीज़ कवरअप किया गया है। एंड जैसे कि मैंने बताया कि सेकेंड बुक ये एज ए ट्रीट कर सकते हो, फर्स्ट बुक तुम जो भी ट्रीट कर रहे हो उसमें अगर कुछ कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा है देन इस बुक को तुमको रेफ़र करना चाहिए, तो रेफरिंग के लिए ये बेस्ट बुक है। और अगर आपको कोई और बुक का रिव्यू चाहिए तो कमेंट कर देना, एंड अगर कोई ई बुक चाहिए तो कमेंट कर सकते हो। तो जो ई बुक है वो मैं जो ऐप है एडोलब में वहाँ पर अपलोड करूँगा, तो जो भी ई बुक चाहिए आपको कमेंट कर दीजिए तो आप मैं अपलोड कर दूँगा। एंड और कोई बुक का रिव्यू चाहिए तो वो भी आप कमेंट कर सकते हो।